नमस्कार दोस्तों, कलकत्ता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइव यूट्यूब पर दिखा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको डीओ रिकॉर्डर डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे पुराने वीडियो में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और किस प्रकार सेटिंग करना है उसमें सब बताया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डीओ रिकॉर्डर में क्लिक करना है। डीओ रिकॉर्डर स्टार्ट हो जाने के बाद आपको सबसे पहले डीओ रिकॉर्डर फिर से क्लिक कीजिएगा तो इसका यहाँ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। शुरुआत में स्किप कीजिएगा। स्किप करने के बाद ऊपर से टानिएगा और यहाँ पर देखिए लाइव लिखा हुआ है। इस लाइव पर आपको लाइव बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे लाइव बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म का आ जाएगा लाइव करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर यूट्यूब में करना है। आप चाहें तो फेसबुक, ट्विटर और भी कुछ में कर सकते हैं। तो फिलहाल यूट्यूब में क्लिक किए। यूट्यूब में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लाइव के लिए कौन सा आपको चैनल में करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपने यूट्यूब अकाउंट के ईमेल पे क्लिक कर लेना है। इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। परमिशन ग्रांट करने के बाद एक अलग ऑप्शन आएगा, देखिए ऑप्शन आ रहा है। ये खुलने के बाद यहाँ पर देखिए अलाउ करने कहेगा आपको, नीचे करके आप यहाँ से अलाउ कर दीजिएगा। अच्छा, अलाउ करने के बाद यहाँ से देखिए खुल गया, चैनल खुल गया है आपका। फिर यहाँ पर आपको टाइटल देना है, आपका लाइव करने का टाइटल क्या है। तो यहाँ पर क्या है, जनरल नॉलेज पार्ट 3। सुपर 30 सॉरी यहाँ पर यहाँ जनरल साइंस होगा। मैंने यहाँ दे दिया, चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं और बाकी यहाँ कुछ देना नहीं है। तो यहाँ पर आप पब्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करना है। अब यहाँ अगर पब्लिक रखते हैं तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम चलेगा, और अगर आप यहाँ प्राइवेट या अनलिस्टेड रखते हैं तो ये आपको बाद में होगा। तो फिलहाल हम अनलिस्टेड में आपका ये फीचर्स मिलेगा कि आप जिसको लिंक भेजिएगा, जिसको लिंक हम सेंड कीजिएगा, सिर्फ वही आपका देख पाएगा। ठीक है, तो मुझे पब्लिक दिखाना है पब्लिक को, तो पब्लिक पे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट के बाद कंफर्म करना है। तो जैसे यहाँ कंफर्म कीजिएगा, इस प्रकार से ऑप्शन आएगा और यहाँ पर ओके कर दीजिए। देखिए कनेक्टिंग टू यूट्यूब हो रहा है, और यहाँ जैसे कनेक्टिंग हो जाएगा आपका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा और आप यूट्यूब पर लाइव हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बीटेक कॉम्पिटेटिव क्लास में आप सभी का स्वागत है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस का पार्ट 3। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अब तक आपका एग्जामिनेशन में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 9.46 × 10⁻⁹ मीटर, ऑप्शन बी 9.46 × 10⁻¹ मीटर, ऑप्शन सी 9.46 × 10018 मीटर, ऑप्शन डी 9.046 × 10⁻¹ मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9.46 × 10⁻¹ मीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। ऑप्शन ए पारसेक, ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 6.023 × 10⁻²। ऑप्शन बी 6.023 × 10⁻²। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा,
विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल फॉर यू। ओके, तो पहला ऑप्शन है पानी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी पारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, हवा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को स्टॉप करने के लिए नीचे में आपको एक बटन दिया गया होगा, उस बटन पर क्लिक करके वहाँ स्टॉप पे क्लिक करना है, आपका वीडियो स्टॉप हो जाएगा। तो आज आपने हमारी इस वीडियो में से देखकर इस मोबाइल के स्क्रीन को किस प्रकार से लाइव यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जाए आपने सीखा। इस वीडियो में कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी लेकिन आप समझ चुके हों किस प्रकार से क्या होता है। बहुत ही आसान ये सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका समाधान आपको बताऊंगा। तो हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।